आज हम सूजी से बने हुए बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करेंगे, जो बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है। और इसको बनाना बहुत ही आसान है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजी तरीके से बना है, एकदम फुली फुली बनती है और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है। तो आप सब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। हाय, मैं स्वस्ति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले हम एक मिक्सर जार ले लेंगे, उसमें एक कप सूजी ले लेंगे। तो सूजी मोटा पतला आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद उसी कप से आधा कप दही ले लेंगे और आधा कप पानी में डाल देंगे और उसके बाद इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, अब इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखिए, इसका बैटर रेडी हो गया। अब हम इसमें कुछ मसाले वगैरह ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम जीरा डाल देंगे लगभग आधा चम्मच, उसके बाद नमक चौथाई चम्मच और चीनी आधा चम्मच और एक चम्मच तेल डाल देंगे और ये सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मिक्स करने के बाद हम गैस पे एक कढ़ाई डाल देंगे और उसमें लगभग एक गिलास पानी डाल के गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम एक प्लेट में अच्छा से तेल लगा के इसकी ग्रेसी कर लेंगे, चारों तरफ तेल को फैला देंगे ताकि जब ये बैटर डाले तो थोड़ा भी चिपके नहीं। अब हम इसमें एक पाउच इनो का डाल देंगे, लेमन फ्लेवर का। तो हमेशा लेमन फ्लेवर का यूज कीजिए या फिर बेकिंग पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये मिक्स हो गया, फटाफट हम इसको एक प्लेट में डाल देंगे। और पानी तो गर्म होने के लिए डाल चुके थे तो पानी गर्म हो गया होगा। तो अब हम इस पानी में इसको प्लेट को डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा कश्मीरी मिर्ची पाउडर जो होता है उसको डाल देंगे। तो आप तीखा अगर खाते हैं तो आप तीखा मिर्ची पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसके ऊपर इस तरह डाल देंगे तो ये देखने में भी अच्छा लगता है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो अब हम इसको ढक देंगे और इसको 10 मिनट के लिए अच्छे से उबलने देंगे। तो ये देखिए, ये फूल के कितना ऊपर आ चुका है आप लोग देख सकते हैं, एकदम बहुत ही फूला हुआ जालीदार बन के रेडी होगा। तो ये देखिए, अब हम इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब हम साइड से थोड़ा थोड़ा इस तरह कॉर्नर से देंगे और उसके बाद दूसरे प्लेट में इसको उलट देंगे। तो ये देखिए, ये कितना अच्छा फूल के रेडी हुआ है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप कटिंग चाकू से भी कर सकते हैं या फिर पिज्जा कटर से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद जैसे पिज्जा कटिंग करते हैं ना, ठीक उसी तरह इसके भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, कटिंग हो गया। हम एक एक करके आपको निकाल के दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये कट के रेडी हुआ है। अब हम गैस पे एक नॉन स्टिक तवा रख देंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे और उसके बाद चारों तरफ इसको फैला देंगे। और जब यह थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। तो इस तवा पे जितना आएगा उतना एक बार में डाल देंगे, फिर दोबारा डालेंगे। तो इसको थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और अच्छे से जल्दी से रेडी हो जाए। तो इसको ये देखिए, हम दूसरे साइड इसको उलट देंगे। तो इससे ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा इसको रोस्ट करना है। तो ये देखिए, इस तरह ही रेडी हो गया है। तो अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी बनके रेडी होती है। तो इसको हम सॉस के साथ सर्व करेंगे। आपको जो कोई चटनी पसंद हो आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट बनके रेडी हो गई है। आप इसको सुबह या शाम किसी भी टाइम नाश्ते में बना सकते हैं या फिर बच्चे के लंच बॉक्स में डाल सकते हैं, बच्चे ये सब काफ़ी पसंद आती है। तो ये देखिए, हम आपको
इसको तोड़ के दिखा रहे हैं कितना जालीदार बन के रेडी हुआ है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी है। इसको प्रेस करने से आप देख सकते हैं कितना एकदम सॉफ्ट लग रहा है। तो आप सब भी इस रेसिपी को आप अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगी। तो मैं तो हल्का फुल्का खाना ही पसंद आता है, तो आप सब भी इस नाश्ते की रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए और बताइए कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप सबने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो आप सबसे फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ।